हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल द बेस्ट वे टू बिगिन आवर आंसर राइटिंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी इज टू बिगन विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 50 परसेंट ऑफ द क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाता है दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बेटर टू ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन

human activity in the past. Here, archaeology means study of ancient and anthropology means study of humans. Together, Agar we take it, it is literally the study of ancient uh, times of humans. Deke? It deals with the study of prehistoric period which comprises of almost 99% of the human history. So, it deals with origin and development of human species and the material manifestations in the form of material culture. Kyunki, ियल वाला जो है उनको अनालाइज करके इंटरप्रेट करके वी कैन कंस्ट्रक्ट दास्ट फॉर एग्जाम्पल स्टोन टूल से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हंटिंग मेथड कैसे है मतलब टाइप ऑफ लाइक बोन्स के ऊपर जो कट मार्क्स मिलते हैं उस बेसिस पे कैसे स्टोन टूल यूज किया है किस टाइम पीरियड पे यूज किया है ये सारी चीजें हम डेटिंग मेथडोलॉजी यूज करके पता कर सकते हैं सिमिलरली पॉटरी इट इंडिकेट्स कुकिंग और स्टोरिंग ऑफ द फूड नाउ कंटिन्यूटी एंड एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर सी बाई दिस वी कैन हैव यू माइट हैव नो सम ऑफ द टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट इज 1.8 पॉइंट ये चैप्टर में देखते हैं डेटिंग मेथड्स में वहां पर एक और मिशन एक और पर्टिकुलर मेथड है सीरिएशन करके वहां पर हम क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस मैनर पे आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं उनको अरेंज करते हैं वहां पर जो डेवलपमेंट्स होता है उस बेसिस पे हम उसका डेट एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कंटिन्यूटी एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर एनालाइजिंग दिस मटेरियल रिमाइंड

दी ऑनॉटमी कैसे है उसको क्रॉस कंपेयर कर सकते हैं स्केलेटर रिमेन्स को एंड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन ऑल्सो टेल अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे इरेक्ट पोस्टर कैसे आया एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेन हुआ है वट इज द लिंक बिटवीन दैम वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दैम कैन बी स्टडी इट दिस हेल्प्स इवन इन दी पैलियो एंथ्रोपोलॉजी पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में भी आर्कियोलॉजी का प्रिंसिपल्स यूज करते हैं

कई वॉल पे केव पेंटिंग पे मेंशन है उसको वैलिडेट कर सकते हैं बाय दिज आर्टिफैक्ट्स एंड देन डेटिंग देम इट हेल्प्स इन द ह्यूमन टैक्सोनॉमी मतलब अरेंज करने के लिए कौन सा स्पीशीज लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन में वन इज फर्स्ट जैसे एस्ट्रोलोपेन है उसके बाद होमो होमोहेरिटिस है देन बीच में ये सारी चीजें कैसे हम अरेंज कर सकते हैं फॉर दैट आल्सो इट हेल्प्स बट इसका कुछ लिमिटेशंस भी है व्हाट आर द लिमिटेशंस द ऑल द आर्टिफैक्ट्स कैन नॉट बी असिस्ड एंड इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स

so that's it guys if you want me to answer any of the previous year questions put it in the comment section i'll definitely make the model answer on it okay now a small request please subscribe if it is useful to you and hit on the bell icon because many of the people are not subscribing and watching these content and actually it is discouraging if i want to make the content continuously you need to encourage me that's it guys thank you bye